गुड मॉर्निंग, जय मुरलीधर। सभी कांधा निकालना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जो धूल थी वो तो सारी कंप्लीट कर दी है, ये देखिए। और जहाँ पर भी अनिवन लग रही थी वो भी अच्छे से बोरा लेके अच्छे से यहाँ पर रख दी है, देखिए। और यहाँ पर देखिए गोबर का ढेर भी थोड़ा सा अच्छा किया हुआ है ताकि इसको इसमें मिक्स कर सके। सो ये सारा कुछ अभी चलता रहेगा। और अभी कांधा निकालना स्टार्ट कर दिया है, देखिए। सभी ने बहुत सारा निकाल लिया है, लेकिन अभी मैं तो अभी ही आया हूँ जॉब से। सो ये सा कुछ चल रहा है। और अभी चने में पानी कितना चला है चलो वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये सारियों में निकाल दिया है, और वहाँ पर एक दो और तीन में बाकी है। ऊपर में जो चना लगाया हुआ है उसमें तीन क्यारियाँ बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई इसलिए। तो ये सारा कुछ चल रहा है अभी। सो अभी तो दोपहर होने ही वाली है, तो थोड़ी देर यहाँ पर लग जाते हैं। तो वहाँ पर सूखा चारा था अगले साल का, खराब हो चुका था वो वाला। सो उस चारे में से थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया है, देखिए। पशुओं के लिए गद्दा बिछा दिया है, देखिए। पशुओं को भी मजा आएगा, और ये पशु इसे ऐसे चलते रहेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, तो ये सारा सूखा चारा है वो सारा बैठ जाएगा, तो बढ़िया से खाद बन जाएगी, इसलिए डाला हुआ है यहाँ पर, देखिए गद्दे बिछाए हुए। सो चलो अभी इन सभी को पानी पिला लेता हूँ और खाना डाल देता हूँ। नया वाला ये पुराना सूखा चारा है वो डाल देता हूँ सभी को, और कटड़ियों को छाछ पिला देता हूँ। फिर अभी दोपहर के बाद शायद ओपनर हो जाएगा कंप्लीट, चाचा के घर पे था वो। सो वो अभी लेने जाना होगा शायद से, दोपहर के बाद शायद हो जाएगा कंप्लीट। सो चलो अभी चने में तीन क्यारियों में पानी बाकी था उसमें पानी लगा लेते हैं दोपहर के बाद। अभी खाना वगैरह कंप्लीट हो चुका है, सो चलो मोटर स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर कल से शायद एक दो सीताफल पके हुए थे, पकने जैसे थे, सो वो अभी निकाल लेंगे। मोटर स्टार्ट कर लेते हैं, पहले वाल्व खोल लेते हैं और फिर मोटर स्टार्ट करते हैं। से खोल दिया है, फिर उसे वापस थोड़ा सा इस तरफ करना पड़ेगा। सो चलो अभी मोटर स्टार्ट करते हैं फाइनली। हो गई अब जाके स्टार्ट। तो चलो अभी यहाँ पर एक सीताफल था और दूसरे भी था, ये देखिए। ये देखिए अभी के टाइम पे सीताफल इतने पकते नहीं है, लेकिन इस बारी क्या हुआ पता नहीं, अभी के टाइम पे भी इतने अच्छे से सीताफल ग्रो हुए हैं, देखिए। और भी एक था कहीं पर, देखा हुआ था हमने पहले से, शायद यहीं पर था या कहीं और, नहीं दो थे, तो ये यहाँ पर भी एक है। तो अभी ये पूरे तो नहीं पके है, इसे थोड़ा सा रख देंगे एक दो दिन के लिए, तो सारे पक जाएंगे, मतलब अच्छे से पक जाएंगे दोनों। तो चलो तीन है, चलो अभी एक और ले लेते हैं, फिर अभी उसमें पानी भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी वहां पर भी जाना है। सो देखिए तीन पक्के ने जैसे हो गए हैं, दो तीन दिन में पक जाएंगे ये पूरे। तो देखिए इतने बढ़िया अभी के टाइम पे नहीं होते हैं, लेकिन पता नहीं अभी इस टाइम पे इतने अच्छे क्यों हुए। तो देखिए यहाँ तक पहुंच गया है पानी, और ये क्यारियां भी इतनी लंबी नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छे से पानी जा रहा है। देखिए यहाँ पर देखो जीरा में कितनी बड़ी है क्यारी, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी है, और वो वाली आप देखो ये कितनी छोटी सी है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सी है। सो इसमें पानी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है, और हमने हाथों से ही बोया था क्योंकि ट्रैक्टर तो मिल तो जाता है, लेकिन वो चने के लिए नहीं, चने की बुआई नहीं हो पाती है, उसके लिए उसमें चक्कर वगैरह आते हैं वो बदलने पड़ते हैं। सो इसलिए अभी इतने के लिए ट्रैक्टर बुलवाएंगे तो क्या किराया भी, मतलब किराया भी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए अभी हाथों से ही लगा दिया था। और हाथों से लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से होते हैं ग्रो चना, उसके लिए ट्रैक्टर नहीं बुलवाया था।
और ट्रैक्टर से बोते तो ये जीरा किस तरीके से सारी रो में हो रहा है, एक एक रो में उस तरीके से चलना भी लगता, लेकिन हमने ये हाथों से बोया तो क्या होगा कि सिर्फ यहाँ पर एक लाइन होगी और एक लाइन यहाँ पर होगी, ताकि बीच में इम्प्लीमेंट भी चला पाएंगे, अभी ग्रो हो जाएगा उसके बाद। सो एक इम्प्लीमेंट यहाँ पर आएगा और दूसरा वहां पर दूसरी क्यारी में, उस तरीके से इम्प्लीमेंट भी चला पाएंगे, उसलिए हाथों से बुआई की है। वो तो आपको आगे आगे पता चला जाएगा इम्प्लीमेंट किस तरीके से चला रहे हैं वो सारा कुछ। सो चलो अभी के लिए पानी निकालने में लग जाते हैं, ये एक क्यारियों में तो अभी पहुंच जाएगा, फिर ये दोनों में बाकी है, फिर से कांधा में लग जाना है। सो ये वाली क्यारी में जा रहा है, अभी लास्ट क्यारी बची है चढ़ने की। सो अभी वहां से क्या करेंगे, या इस तरफ कर देंगे तो यहाँ पर पानी आ जाएगा, फिर यहाँ से सीधा जाके वो वाली है गैप जीरा की, ये नहीं उसके पास वाली जो ये गैप है उसमें चलाना है फिर भी। सो वहां से इस तरफ लेते जाएंगे, फिर ये सारे में पिला देंगे, उसके बाद की, फिर उसके बाद की, मतलब ये तीन तीन गैप है उसमें पिलाना है। वो तो अभी देखते हैं पानी कितने तक पिला सकते हैं उतने तक, पहले तो ये वाली पिलानी है, फिर दूसरी तीसरी उस तरीके से पिलानी है। सो पहले ये पिला देता हूँ एक में, फिर इसमें स्टार्ट कर देना है यहाँ से, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये एक गैप में पिला दिया है, इसमें चार क्यारियां है और एक छोटी सी, अभी यहाँ पर लगाना स्टार्ट हो गया है, तो अभी इसमें जा रहा है और ये तीन में बाकी रहा है अभी, फिर उसके बाद वहां पर एक बाकी है उसमें भी चार क्यारियां है। सो ये तो अभी इसमें तो लग जाएगा सारे में। सो अभी मेरे पापा देखिए चाचा के यहाँ गए हुए है, तो शायद ओपनर आ जाएगा। देखिए बाइक एक ही दिख रही है, ये देखिए स्प्लेंडर ही है, साइन नहीं है। सो वो भी गए हुए है चाचा के घर पे, तो आज अभी शाम होने से पहले आ जाएगा शायद ओपनर। सो चलो अभी यहाँ से पानी चल रहा है, अभी ये सारियों में चलाना है। तो ओपनर आ चुका है, देखिए अभी यहाँ पर दिखेगा रास्ते में जूम किया हुआ, ये देखिए मिनी ट्रैक्टर दिखा, अभी ये रहा ओपनर। सो अभी वहाँ पर आगे जाएंगे और वहाँ से मोड़ के आएंगे, ये वाला पोल दिख रहा है दो पोल, सो वहाँ से मोड़ के यहाँ पर ले आएंगे। सो अभी मैं तो पानी निकल रहा हूँ इसलिए वहाँ पर शूट नहीं कर पाऊंगा। सो आ गया है, ऐसा अपडेट दे देता हूँ, अभी शायद कल से स्टार्ट ही कर देने वाले हैं मूंगफली साफ करना। सो चलो अभी ये पानी में निकल रहा हूँ, अभी ये एक क्यारी में बाकी है और फिर वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ पर बाकी है तीन चार, उसमें लगाना बाकी रहा है सिर्फ। सो ये सारे में चला दिया है पानी, देखिए जीरा में, इसमें तीसरी बार ही चल रहा था, चौथी बार नहीं लगाया, इसमें तीसरी बार में बाकी था, तो ये तीनों गैप में लगा दिया है और कंप्लीट हो चुका है ये सारा। और यहाँ पर ओपनर भी कंप्लीट बिठा दिया है नीचे, देखिए। सो आज ही स्टार्ट कर दिया है, देखिए मूंगफली साफ करना, और मूंगफली साफ करते टाइम मैंने आगे यहाँ पर डाल रहा था, ओपनर चला रहे थे जब मूंगफली में तभी, तो इसी तरीके से देखिए मूंगफली साफ करने में यहीं से ओढ़ना पड़ता है, यहीं से मूंगफली डालनी होती है, और यहाँ पर जो जाली होती है उसे बिछाना पड़ता है, आगे उसमें होती है वो तो रहती है लेकिन दूसरी भी बिछानी पड़ती है जाली, तब जाके मूंगफली साफ होती है, देखिए। और यहाँ पर भी आता ही है टब में भी, देखिए अभी उस साइड एक और ज्यादा आता है, चलो दिखाता हूँ वो भी। तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा सुपड़ी लग गई है, तो इसमें भी आते रहते हैं, देखिए। तो आज ही स्टार्ट कर दिया है ओपनर इस तरीके से, देखिए। सो इसमें मेनली दो जनों की ही जरूरत पड़ती है, और एक यहाँ पर पीछे में ये सारी बाल्टियां वगैरह निकालने में, तो तीन लोग होते हैं फिर भी निकाल सकते हैं मूंगफली साफ करना।
चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाय बाय।